स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो ऑफ द कौशिक ब्लॉग्स। आज हम आए हैं F11 जो कि एक कार्ट रेसिंग ट्रैक है और GIP मॉल नोएडा के बिल्कुल साथ में है। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने डिटेल्स में डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, उनसे आप कॉल करके टाइमिंग्स बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। हमने भी बुकिंग की है, आज हम जाएंगे F11, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग भी हमारे साथ चलिए इस सफ़र पे और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। यहाँ पे सारी कार्ट्स पार्क हैं, यहीं से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से पूरा ट्रैक है। और जहाँ तक इसके प्राइसेस की बात है, ये आप देख सकते हैं 999+ टैक्स इज़ फॉर 10 मिनट्स, और अगर आप 20 मिनट्स करना चाहते हैं तो 1699, और 30 मिनट्स के लिए 2399। दीज आर द प्राइसेस। और ये काउंटर है, यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलते हैं गियर्स लेने के लिए। आफ्टरनून, माई सेल्फ आशीष शुक्ला, मैं आपको कार्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कार्ट में सीट और पैडल दोनों एडजस्टेबल है, क्या आप कंफर्टेबल बैठे हो? कंफर्टेबल? कार्ट के राइट साइड में एक्सीलेटर है जो स्पीड के लिए है, लेफ्ट साइड में ब्रेक है जो स्टॉप के लिए। दोनों को एक साथ प्रेस नहीं करना, नहीं कार्ट वहीं पे बंद हो जाएगी। स्टीयरिंग थोड़ी सी हार्ड है, ऑन ट्रैक इसको टाइट मेंटेन करके रखना है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई सबसे ऊपर है, इनको लड़ने दो आपस में। तुम्हारा भाई सबसे ऊपर, देख रहे हो, देख रहे हो? पहले ऐसे हुआ, मेरी पीठ लग गया। और इसको चाहे तो बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसके लिए एक हाइट बैरियर रखा हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा है कि 130 सेंटीमीटर्स शुड बी योर मिनिमम हाइट। और अगर आप 130 सेंटीमीटर से कम हैं तो वेजिटेबल्स खाते रहिए, ऐसा इनका कहना है, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा कहना नहीं है। यहाँ पे खाने का भी काफ़ी सारा है, आप चाहें तो यहाँ पे आके अपना थोड़ा बहुत स्नैक्स इधर से ले सकते हैं।
पे फूड एंजॉय करते करते आप हिस्ट्री ऑफ कार्टिंग ये भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जो रेसिंग कार्ट है वो 1956 में आई थी और ये पूरा चार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। और 2022 में द वर्ल्ड ऑफ नेक्स्ट जेन कार्टिंग विद फॉर्मूला 11 डिजाइन टू एक्सपीरियंस द एड्रेनलिन ऑफ रेसिंग। तो मेरा एक्सपीरियंस जो आज यहाँ का रहा थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट एक बार आप जब ट्राई करेंगे जो एड्रेनलिन रश आपको यहाँ पे फील होने वाला है वो बहुत अमेजिंग है। और 10 मिनट का आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बट आई डेफिनेटली गारंटी यू कि आप कम से कम आधा घंटा करके जाने वाले हैं, क्योंकि इतना मज़ा आने वाला है और आप बार बार आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उनके साथ कॉम्पीट करने में, उनके साथ एंजॉय करने में हमें वैसे भी बहुत मज़ा आता है। बट यहाँ पे जब आप एक रेस ट्रैक पे आते हो, एक छोटा रेस ट्रैक है, काफ़ी सेफ है, जो कार्ट्स हैं उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो बिल्कुल नहीं पलटती है, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत नीचे होता है, तो इनका पलटने का कोई चांस नहीं होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आप भी आओ यहाँ पर एंजॉय करो। और आप वीकेंड्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेटिंग होती है। आप बुकिंग करके आए, अपने टाइम स्लॉट्स बुक करके आए यहाँ पे, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। कोई भी डाउट अगर इसके बारे में है आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, आप गूगल करके भी, इनका नंबर है वहाँ पे, आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।